गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय, गौर से देखिएगा, सभी फार्मूला हम लिख दे रहे हैं अंजलि का नाम लेकर के, गॉस प्रमेय। सभी बच्चे ध्यान देंगे और इसके सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। बैठा लीजिए बेटा, गॉस प्रमेय के सूत्र लिखने जा रहे हैं समझाते हुए। जैसे चैप्टर पढ़ाया है उसी तरह से सूत्र भी है, जो लोग नहीं पढ़े हो चैप्टर समझो सूत्र आ जाए। सबसे पहले सूत्र था कि याद करिए घन कोण से रिलेटेड, घन कोण, एक मिनट, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। शांत होकर सुनिए, घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, एक खुशखबरी है, इस सूत्र पर कोई भी सवाल इस अभ्यास में नहीं है, ठीक है, सूत्र जानते रहिए। दूसरा है वैद्युत फ्लक्स का, प्यारे साथियों वैद्युत फ्लक्स के सूत्र पर पूरा का पूरा अभ्यास है। अगर वैद्युत फ्लक्स के सूत्र नहीं तैयार रहेंगे तो सवाले नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सारी सवाले वैद्युत फ्लक्स जानने के लिए है। तो गौर से समझिए, पहला सूत्र है वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई का, गौर से समझिए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यह सूत्र तब इस्तेमाल होगा जब ई और डी ए वेक्टर में दे रहे हैं, आई जे के वगैरह में रहे, तो इसका मतलब वेक्टर ई डॉट डी ए लगेगा। और सुहाना बेटा इसी का एक सूत्र ई डी ए कॉस थीटा भी लगेगा, और जो ज्यादातर लगेगा जिस पर सवाले थोक के भाव में है वो ये है, फाई बराबर, ध्यान से देखिए, जिस पर सूत्र पर ज्यादा सवाले लगेंगी, एक बट्टा एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, इसको हम डबल स्टार बना दे रहे हैं, ट्रिपल स्टार, इसी सूत्र पर पूरा अभ्यास लड़ लोगे आप, ठीक है। यह सूत्र तब अप्लाई होगा जबकि आवेश दिया रहे और वैद्युत फ्लक्स पूछे, तो देखो जी फाई बराबर एक बट्टा एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे बेटा, आसानी से सवाल जो है लग जाएगी या आ जाएंगे। शिवांशु बेटा इसके बाद देखो कौन से सूत्रों का प्रयोग है, ध्यान से समझो जरा, ये बीआईपी सूत्र है जिस पर सवाल ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद आप लोगों ने इस चैप्टर में सूत्र पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, और अच्छे से समझाते हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आकृतियों के लिए अलग अलग है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखो बेटा अगर आप सूत्र समझ लोगे तो सवाल आ जाएगी, ठीक है ना रोजी। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैसे जनरली सूत्र होता है E बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आप सभी बच्चे अच्छे श्रोता बनिए, मतलब सुनिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वैसे जनरली सूत्र होता है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, लेकिन बेटा या हम इस अभ्यास में छह आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, है ना, आवेशित गोली चालक के लिए, आवेशित गोली अचालक के लिए, आवेशित अनंत विस्तार के चालक तार के लिए, आवेशित अनंत विस्तार के अचालक तार के लिए, आवेशित चालक प्लेट के लिए, और आवेशित चालक और ऋण अचालक धन और ऋण प्लेट के लिए। तो सारे जो है टॉपिक्स का सूत्र लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहला टॉपिक है आवेशित गोलीय चालक, आवेशित गोली चालक के लिए, आवेशित गोली चालक का मतलब सुषमा बेटा खोखला गोला, और ऐसा बेटा दूसरा तुम तो जानकार हो आवेशित गोलीय अचालक, और तीसरा है आवेशित चालक तार, और ऐसा बेटा चौथा है आवेशित अचालक प्लेट। कौन सा प्लेट बच्चों, समझो कि नहीं क्या नाम है तुम्हारा, फायरिंग आवेशित चालक प्लेट। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, सूत्र हम सब पर क्लियर करा दे रहे हैं, सवाल सभी पर नहीं है, लेकिन सूत्र एक्सप्लेन कर दे रहे हैं,
क्योंकि मान लो सूत्र भय मौर्य आ जाए सवाल कोई फार्मूला याद रहेगा कर लोगे। तो ध्यान से देखो जरा गौर फरमाइएगा, आवेशित गोली चालक के लिए सबसे पहले तो आवेशीय पृष्ठ घनत्व का सूत्र जानते रहिए। किसका बेटा? आवेशीय पृष्ठ घनत्व। इसके लिए होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान फोर पाई आर स्क्वायर। तीव्रता ई का जो है तीन केस होता है। एक केस जानिए जब जो है गोली चालक के बाहर पृष्ठ है, तो यहाँ ई बराबर सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये सूत्र है, कब लगता है बेटा, कब अप्लाई होता है? आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे कब अप्लाई होता है? जबकि जो है बिंदु गोली चालक के बाहर, याद आया। और दूसरा जब जो है बिंदु गोली चालक के पृष्ठ हो, सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट, और जब जो है बिंदु गोली चालक के भीतर हो तो ई बराबर जीरो। तीन कंडीशन है सवालों को कहेगा। ये किस कंडीशन के लिए है? यहाँ पर बाहर मतलब बाहर, और ये तल पर, और ये भीतर। जब कहे कि गोली चालक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर गोली चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो जो बच्चे पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े जान लीजिए, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का, कोई प्रॉब्लम? और बेटा ये सिग्मा क्या है? आवेशी पृष्ठ घनत्व, ठीक है, जिसका मान इस केस के लिए क्यू अपान फोर पाई आर स्क्वायर। और जब गोली चालक के पृष्ठ पर आवेशी पृष्ठ घनत्व दिया रहे और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, भीतर पूछे जीरो। सिग्मा क्या है? आवेशी पृष्ठ घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युत क्षमता। याद आ गया किसके लिए सूत्र है? ये गोली चालक के लिए, ठीक है ना बेटा। गोली अचालक के लिए पहले आवेशी पृष्ठ घनत्व तो रो बराबर क्यू अपान चार बटा तीन पाई आर क्यू, और इसमें भी तीव्रता ई का तीन केस। पहला केस पूछो, ई बराबर माने गोली चालक के बाहर, तो रो अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान आर स्क्वायर, याद आया। और जब जो है गोली चालक के पृष्ठ पर पूछे तो रो अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, ठीक है। और अगर गोली चालक के भीतर पूछे तो रो अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, याद आया। सुष्मी बेटा सूत्र याद रहेंगे तभी तो सवाल आएंगे। तो गोली अचालक जो कि आवेशित है, आवेशित गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि निकालनी है तो ध्यान दीजिएगा, गोली अचालक के बाहर तीव्रता रो अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपान आर स्क्वायर, गोली अचालक के तल पर तीव्रता रो अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट, और जो है शाश्वत जी सोते हुए समझिए, गोली चालक के भीतर किसी बिंदु पर रो अपान थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर गोले की त्रिज्याएं हैं, स्मॉल आर बिंदु की दूरी है केंद्र से। अब बेटा शिवांशु आवेशित चालक तार के लिए आवेशित पृष्ठ घनत्व लिंडा बराबर क्यू अपान ए, तीव्रता ई का सूत्र निकालना हो तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लिंडा अपान आर, याद रहेगा सूत्र। और इसके लिए आप पहले आवेशित पृष्ठ घनत्व सूत्र सब में लिख रहे थे क्यू अपान ए, और तीव्रता ई का सूत्र सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, यही है ना खुशमी। और आवेशित चालक प्लेट अगर रहे तो इसके लिए तीव्रता का सूत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एक बार हमारी इच्छा है सूत्र फिर से समझा दे रहे हैं। गास प्रमेय में जितने फार्मूले अभी तक पढ़ाया सब आपके सम्मुख है। पहला फार्मूला पढ़ा था घनकोण के लिए, जिसका फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। संपूर्ण घनकोण द्वारा केंद्र, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण फोर पाई स्टे रेडियन होता है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स के जो है टॉपिक को आपको पढ़ाए थे चैप्टर में।
वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर पाव में दिए हो तो ये सूत्र लगाना, नहीं तो ई डी ए कॉस थीटा, ई है तीव्रता, डी ए है क्षेत्रफल, थीटा दोनों के बीच का कोण। और ज़्यादातर इस फार्मूले का प्रयोग होगा, यही है गॉस प्रमेय, फाई बराबर वन अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। जब आवेश दे करके पूछेगा कि फलक के घन के केंद्र से या घन के सभी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, तो रोहन सोनी यही सूत्र लगा देंगे परीक्षक। और उसके बाद बेटा इस चैप्टर में गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली गई थी और 6 आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र आपके सामने है। आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी हो तो उसके पहले इसका आवेशित पृष्ठ घनत्व का सूत्र जानो, सिग्मा बराबर क्यू अपान 4π r2। और अमिता जी, अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट r2 / r2। कैपिटल आर क्या है? गोली की त्रिज्या। स्मॉल आर क्या है? बिंदु की दूरी। और अगर तल पर पूछे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है 19 है, अगर जो है भीतर पूछे तो ये बराबर 0। और फोटो जी, अगर आवेशित गोली अचालक के लिए पूछे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तो रो बराबर क्यू अपान 4/3 π r3। ऐसे ही ई बराबर जो है पूछे अगर तो रो अपान 3 ε0 r³ / r² अचालक गोले के बाहर निकालने हो, तल पर निकालने हो तो इंटू आर कैपिटल में, और भीतर निकालने हो तो इंटू आर स्मॉल में। ये तो पता ही है कि चालक तार का रेखीय पृष्ठ घनत्व लैम्डी बराबर क्यू अपान एल। और आप जो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता चालक तार के लिए क्या होता है सिवान से बेटा, 1/4π ε0 2λ/r। और अचालक प्लेट के लिए तीव्रता का सूत्र एप्सिलॉन नॉट 2 रहेगा और ऊपर सिग्मा रहेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और चालक प्लेट के लिए जैसा कि जान रहे हो आप सभी लोग लालायित हो एक चीज़ जानने के लिए, एप्सिलॉन नॉट का मान चाहे दे रहा है चाहे नहीं, 8.85×10^-12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे आप याद रखेंगे, सवालों में दिया रहे तब, न दिया रहे तब इसका इस्तेमाल करेंगे।